हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू असाइनमेंट गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन भी स्टूडेंट को प्रमोशन एप्लीकेबल था, जिनको ये प्रमोट किया गया था, उन सभी स्टूडेंट के एग्जाम फीस जब भी उन्होंने पे की थी तो क्या इस बार ही एडजस्ट की जाएंगी। तो उसका आंसर है यस। तो उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करने वाले डिटेल में। सबसे पहले देखिए, आपको जो है यहाँ पे एग्जाम फॉर्म के ऊपर एक लिंक मिलेगा, आपको उस नोटिफिकेशन को ओपन करना है एंड यहाँ पे जो है फोर्थ पेज पर आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि जिन जिन स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है, ये आपका क्राइटेरिया था एलिजिबिलिटी का कि जो जो स्टूडेंट जो है एलिजिबल होंगे प्रमोशन के लिए, उन सभी ने एग्जाम फॉर्म जो है भरा होगा। तो उन सभी के एग्जाम फीस को जो है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया था कि उसको जो है नेक्स्ट ईयर के लिए एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी अपनी पिछले साल एग्जाम फीस भरी थी और उन स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया था, इस बार जो है उनके जो भी एग्जाम होंगे उसमें जो है फीस को एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यही इस बार हुआ भी है। आप सभी को मैं बता देता हूँ, आपकी जो है जब भी आप अपना एग्जाम फॉर्म भरने जाते हैं तो देखिए, एक स्टूडेंट का जो है एग्जाम फॉर्म है तो उन्होंने जब भी अपना एग्जाम फॉर्म भरा तो देखिए क्लियरली यहाँ पे जो है आपकी फीस को एडजस्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, उनकी जो है फीस एडजस्ट कर दी गई थी। ये जो है आपके MHD का सेकेंड ईयर ये अपना दे रहे हैं, इनको जो है प्रमोशन एप्लीकेबल था MHD के, इनका मास्टर डिग्री का जो हिंदी का प्रोग्राम है उसके फर्स्ट ईयर में इनको प्रमोट कर दिया गया था। सेकेंड ईयर के जो प्रोग्राम थे उसकी जो है एग्जाम फीस को एडजस्ट आपका कर दिया गया है। सो यहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं, प्रॉपरली उनकी फीस को जो है यहाँ पे एडजस्ट कर दिया गया। तो अगर आपको जो है प्रमोशन एप्लीकेबल था, आपको जो है प्रमोट किया गया था, तो आपकी भी फीस को जो है एडजस्ट कर दिया जाएगा। जब आप अपनी फीस पे करने जाएंगे, जब भी आप एग्जाम फॉर्म भरने के बाद इस वाले पेज पे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपका लिखा होगा कि आपकी फीस जो है यहाँ पे एडजस्ट की गई है या फिर नहीं। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जिन भी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया है अपने फर्स्ट ईयर में, तो उनको जो है उन एग्जाम उसका जो है एग्जाम फॉर्म सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप फर्स्ट ईयर में थे, ठीक है, तो आपको जो है फर्स्ट ईयर के कोर्सेज को एग्जाम फॉर्म में चूज नहीं करना है अगर आपको प्रमोट कर दिया गया था तो। इस चीज़ का आप जो है जरूर से ध्यान रखिएगा कि आपको जो है उन कोर्सेज को सिलेक्ट नहीं करना है जिसके लिए आपको ऑलरेडी प्रमोट कर दिया गया है। यानी कि आपको अगर फर्स्ट ईयर के लिए आपको प्रमोट किया गया है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के लिए आपको प्रमोट किया गया है तो आपको जो है फर्स्ट ईयर के जोन से भी कोर्सेज है उनको जो है सिलेक्ट नहीं करना होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फर्स्ट ईयर के प्रोग्राम्स कौन कौन से थे, तो आप जो है अपना एडमिशन स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि आपको कैसे जो है अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना होगा। अपना एडमिशन स्टेटस चेक कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंगली ही अपना एग्जाम फॉर्म भरिए। सिर्फ अपने अगर आप प्रमोट आपको प्रमोशन मिला था तो आपने जो है सेकंड ईयर के ही कोर्सेज को जो है फिल कीजिएगा एंड उसके बाद जो है आपकी फी जो है एडजस्ट कर दी जाएगी। अब इनकेस अगर आपने आपको प्रमोशन एप्लीकेबल था, आपको प्रमोट कर दिया गया था, बट फिर भी जो है आपकी फीस यहाँ पे एडजस्ट नहीं होती है, ये आपका लिखा हुआ नहीं आता है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। उस केस में देखिए, इग्नू ने जो है यहाँ पे आपको एक SRD का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर जो है दिया गया है, आपको जो है इसी पे कांटेक्ट करना होगा, आपको जो है यहीं पे बात करनी होगी। आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको जो है इग्नू को ही कांटेक्ट करना होगा। तो अगर आपको जो है अपने प्रमोशन एप्लीकेबल था बट स्टिल आपकी जो है फीस को एडजस्ट नहीं किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी दी गई है, यहाँ पे जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, फोन नंबर आपको दिया गया है, साथ ही में इग्नू आईग्राम पे भी जो है आप जो कॉन्टैक्ट करके इग्नू से अपनी क्वेरी जो है पूछ सकते हैं। सो आई होप आप सभी को आज की वीडियो समझ आई होंगी कि जिन भी स्टूडेंट को प्रमोशन एप्लीकेबल था फर्स्ट ईयर के लिए, जुलाई 2020 का जिनका भी एडमिशन था, उन सभी स्टूडेंट की जो है फीस को एडजस्ट कर दिया गया है।